लोन ऐप के चक्कर में 2-3-5 लाख रुपए तक बर्बाद हो गए। वैसा तो नहीं पता भाई, इधर तो नहीं, बहुत न्यूज है आपको। मेरे पास भी ऐसा बहुत केस आया है कि सर मैंने 2-3 हजार का लोन लिया, एक लोन को पे करने के चक्कर में दूसरे से लिया, दूसरे के चक्कर में तीसरे से लिया, और इस तरीके से 15-20 लोन ऐप के चक्कर में मैं फंस गया, और अब मेरे ऊपर 2-3 लाख का लोन हो गया है, और इनका हर रोज मेरे को पेमेंट करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। हाँ वैसा होता है, अगर ऐसा होता है तो अगर तुम लोग पेमेंट नहीं कर सकते तो वो लोग पैसा क्यों लेते हैं पहली बार? देखो उनको, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक को तो पता है कि फेक है, इनका पेमेंट करना ही नहीं है, उनको लगता है कि ये क्या बिगाड़ेगी। दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि ये फेक ऐप है, और ये हमको अगर पैसा इनका नहीं देंगे तो ये हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इनके पास है, हमारा फोटो भी वायरल कर सकते हैं, इसलिए वो लोग लेते हैं। हाँ इधर तो लेकिन वैसा सब वैसा नहीं होता, इधर 16 बार 17 बार 20 40 बार लेने बंदे भी हो। हाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि चलो जरूरत के टाइम पे पैसा मिल जाता है तो वो ले लेते हैं, और फिर जब उनको लगता है कि नहीं होगा तो वो फिर वापस कर देते हैं। हाँ देखिए ऐसा बंदा भी होते है इधर। हेलो हेलो हाँ हाँ तो अभी क्या करना है इसका? क्या इसका पेमेंट मेरे को अकाउंट नंबर भेजो आप, जिस पे पेमेंट करना है मैं कर देता हूँ, परेशान नहीं करो। नहीं नहीं अकाउंट नंबर उसका नंबर चाहिए होता है। अच्छा उसका नंबर नहीं है आपके पास? उसका नंबर है हमारे पास, तुम्हारे पास नहीं है क्या? मेरे पास तो है ही, तो फिर उसका नंबर लेके क्या करोगे? हाँ उसका नंबर से पेमेंट करना पड़ता है ना। अच्छा उसके नंबर से ही पेमेंट आएगा तो चलेगा? हाँ उसका उसके नंबर से आना पड़ता है। पेमेंट का कोई लिंक नहीं है आप लोग का? पेमेंट का लिंक नहीं होता, पेमेंट का लिंक। अच्छा मैं बोलता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ उसको, मैं पेमेंट करने के लिए बोलता हूँ उसको, किसी ने बाहर का कर दिया तो। अच्छा अच्छा मैं पेमेंट करने के लिए बोलता हूँ उसको, आप परेशान नहीं हो, परेशान नहीं करो उसको। नहीं नहीं वो तो बोल रहा था मेरे को 1 तारीख पर पेमेंट करेगा। अच्छा हाँ 1 तारीख। अरे वो देखो यार उसको भी देखो, आपको भी लग पता है ना कि जो बंदा 2-3 हजार का लोन लेता है वो कोई अमीर आदमी नहीं होता, उसको भी तकलीफ है, दिक्कत है, तभी तो नहीं दे पा रहा ना। नहीं ऐसा भी कर सकता है ना कि वो अभी किसी बंदे से ले ले और उसके बाद जब उसका अपना सैलरी आ जाएगा तो वो बंदे को लौटा भी सकता है ना। कौन देता है आज के जमाने में? अरे क्यों नहीं देगा भाई, 2500 है 2500, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है 2500। अरे आज के डेट में हर कोई कहता है, अभी देखो महीने का लास्ट चल रहा है, ठीक है महीने का लास्ट हाँ। में कोई पैसा नहीं देता। हाँ महीने का शुरू का हफ्ता होना तो कोई भी दे देता है, महीने के लास्ट में हर कोई आनाकानी करता है। और लास्ट का हफ्ता ही है भाई, अभी सैलरी आने का टाइम हो जाएगा 1 हफ्ते। हाँ तो वो सैलरी आने के बाद ही कोई पेमेंट किसी को उधार भी देता है, अभी कोई नहीं देता उधार। अरे तो तुम ही दे दे उसको। मैं करता हूँ, मैं उसका पेमेंट कर देता हूँ आपको। ऐसा करो कि तुम उसका नंबर मांगो और उसके बाद ही हमारा कैशबैक ऐप पर लॉगिन करो तुम। पता चला कि मेरा ही कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लोगे? नहीं होगा वो, ऐसा नहीं होगा। मैंने लॉगिन किया, ऐप इंस्टॉल किया तो मेरा डाटा ही हैक हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए उसको वो डाटा हैक करने के लिए पहले तुमको अप्लाई करना पड़ता है लोन के लिए। नहीं नहीं मैं जैसे ही ऐप इंस्टॉल करूंगा तो वो परमिशन मांगता है ना, अलाउ 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 टू कॉन्टैक्ट अलाउ टू मीडिया अलाउ टू कैमरा, अलाउ टू कैमरा। वैसे नहीं होता इधर। फिर कैसे होता? जब तुम अप्लाई करोगे, जब हमारे यहाँ से लोन जाएगा तब स्टार्ट होता है सब कुछ, तब मतलब सारा डाटा सेव होता है, उससे पहले कोई भी डाटा सेव नहीं करता। नहीं नहीं कोई भी सेव नहीं होगा ना। तो ऐसे बहुत से लोग आए हैं कि सर मैंने ऐप इंस्टॉल किया और मुझे 1 रुपया भी नहीं आया, लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट उन्होंने ले लिया है और पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो कह रहे हैं कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम मैसेज करेंगे कि तुमने पैसा लिया और नहीं दे रहे हो। ऐसा भी होता है, बहुत केस आए हैं मेरे पास। नहीं नहीं इधर को वैसा केस नहीं होगा, अगर इधर को वैसा केस आया ना तो वो बंदा ने अप्लाई किया होगा लेकिन नहीं नहीं पास मेरे पास नहीं देखो उस बंदे का कहना होता है कि सर मेरे अकाउंट में पैसा आया भी नहीं, मैंने बस ऐप इंस्टॉल किया था और ऐप इंस्टॉल करते ही मेरे मतलब क्या कहते हैं, मैंने देखा कि ये मतलब ऐप में 7 दिन का मिल रहा है, मैंने अनइंस्टॉल मार दिया। अब 1 महीने बाद 2 हफ्ते बाद मेरे पास फोन आ रहा है कि देखो तुम्हारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तुम पैसे दो वरना तुम्हारे कॉन्टैक्ट को फोन करेंगे मैसेज करेंगे। वैसा नहीं होता इधर, कैशबस पर वैसा नहीं होता, कैशबस में नहीं होता। लेकिन अभी तो कैशबस का एक नया भी ऐप आया है ना, कैशबस न्यू बोल के। हाँ कैशबस न्यू भी आया है। हाँ ये इसी का नया आया है ना कैशबस न्यू। हाँ कैशबस न्यू नया आया है। अच्छा तो आपका कैशबस ही है या और भी प्रोडक्ट है? नहीं मैं अकेला कैशबस से हूँ, कैशबस।
क्योंकि मुझे तो कैश बस है, यस कैश है, बहुत सारा लोन ऐप है। हाँ हाँ मैं कैश बस से हूँ। अच्छा कैश बस का ये कौन सा कंपनी है कैश बस का? कैश बस का ये पता नहीं भाई, मैं ये आपको नहीं भी नहीं पता, पता। नहीं नहीं ये नहीं बताया जाता। अच्छा ये बताया नहीं जाता। हाँ अच्छा चलिए, तो अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप दिल्ली में हैं या नॉर्थ ईस्ट में हैं? हम दिल्ली पर है भाई, दिल्ली पर। दिल्ली में ही है ना, तो वही तो दिल्ली में भी बातचीत है। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियो को शेयर करें, बहुत ही इसमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इन केस यू ऑल्सो गेट इन टू द ट्रैप ऑफ लोन ऐप, जस्ट सिंपली कॉन्टैक्ट अस सो दैट वी कैन हेल्प यू एंड सेव योर टाइम एंड मनी, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर रीपेमेंट, देयर ब्लैकमेलिंग कॉल्स और एनी लीगल इशू और एनी डिफॉर्मेशन इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। कम्प्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ना पेमेंट का टेंशन, ना ब्लैकमेलिंग का, ना ही कोई लीगल इशू का, कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे डील करना है, हर एक वो चीज़ जो कि आपको जानना से बचना जरूरी है हमारे लॉयर्स के द्वारा आपको बताया जाएगा, आपको कम्प्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्प के लिए लोन ऐप का नाम और प्रॉब्लम हमें व्हाट्सअप करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें नेक्स्ट वीडियो के।